गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिमरी एटस खोजी गई है? तो देखिए, कभी भी कहीं भी, चाहे भारत हो या भारत के बाहर हो, कोई नई प्रजाति, चाहे वो पेड़ पौधों की हो या फिर किसी जानवर की हो या किसी भी तरह की कोई स्पीसीज हो, तो वो न्यूज में रहती हैं और उसके करंट अफेयर क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिमरी एटस खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया की वह प्रजाति है, और यह किसकी प्रजाति है? यह छिपकली की प्रजाति है। और ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, यह भी आपको पता है। नेक्स्ट है, एज गुड एज माई वर्ड मेमायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो के एम चंद्रशेखर ने यह पुस्तक लिखी है। तो कल भी अपन ने देखा था कि एक बुक का नाम था जिसको के शैलजा ने लिखा था, वैसे ही बुक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो एज गुड एज माई वर्ड एज ए मेमायर नामक पुस्तक लिखी है के एम चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है, आठवें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिप्रा दास को आठवें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, कतर देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कतर एक मध्य एशिया का मुस्लिम देश है। कौन सा देश है? मुस्लिम देश है, और वो भी मध्य एशिया का। और यहाँ पर जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। पांचवा क्वेश्चन है, फहमिदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है वह किस देश से हैं? तो वो है बांग्लादेश से। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भारत के हाल ही में किस पत्रकार को मिला है? तो वो मिला है किसको? रवीश कुमार। नेक्स्ट है, किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई है? तो वह कर्नाटक राज्य है, जहां पर H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक के कल चुनाव हो चुके हैं, कल वोटिंग हो चुकी है, और 13 तारीख को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, देखते हैं कौन जीतता है। और जैसे कि आप YouTube पे वीडियोस देख ही रहे हैं, और चैनल्स के जो जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो जब हारता है ना बीजेपी जब हारती है तब तो जेपी नड्डा की तस्वीर लगा रहे हैं, और जब जीतती है तब मोदी की तस्वीर। तो ये दोहरा मापदंड मोदी मीडिया का, ये काला सच आपके सामने मौजूद है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सबसे आगे रहा? तो हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड सबसे आगे रहा। फिनलैंड जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और यानी कि खुशहाली सूचकांक 2023 में फिनलैंड सबसे आगे रहा। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है आप मुझे सर्च करके बताइए कमेंट बॉक्स में, कि इंडिया की रैंकिंग खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सी रही, यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा 10वें क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये, क्योंकि यह है एक तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। कौन सा? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, 4 मीटर ये बड़ा है, और एशिया का सबसे बड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ उद्घाटन किया गया है इसका? तो ये उत्तराखंड के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस किस देश ने लॉन्च की है? तो कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स यानी कि जो मानव अधिकार है उसके ऊपर जो प्रैक्टिस है वो किसने लॉन्च की है? तो वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अंतिम क्वेश्चन है, BCCI ये क्रिकेट से संबंधित संस्था है जिसने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बल लाइफ को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। तो आपको पता है हाल ही में IPL चल रहे हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, और ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है इंडिया के द्वारा। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सबसे आगे रहा है, तो वो तो फिनलैंड रहा है। अब इंडिया की रैंकिंग हम देख लेते हैं, भारत की जो रैंक है वह कौन सी होगी, अनुमान लगा सकते हैं 100 से अधिक है या 100 से कम है? तो 100 से अधिक है, यानी कि 126 है, जो कि यह बहुत ही शर्मनाक है। भारत के अंदर जो खुशहाल व्यक्ति है ना उसकी रैंक 126वीं है, मतलब आप सोच सकते हैं पाकिस्तान से भी पीछे। किससे? पाकिस्तान से भी पीछे है इंडिया की रैंक। और जब से बीजेपी आई है ना तब से लोगों की खुशियाँ छिन गई है। 431 का जो सिलेंडर था वो 1200 रुपये का हो गया है, अब बताओ खुशियाँ छिनेगी नहीं छिनेगी, और रैंक डाउन होगी नहीं होगी? बताओ भाइयों और बहनों, मित्रों,
तो ये हाल है भाई, अब कर्नाटक में तो चली गई बीजेपी, सबको दिख रहा है। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको ये करंट अफेयर जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।